छात्रों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्य के बारे में समझाया था। आज मैं आपको ऊर्जा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है? ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कार्य कर सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें ज्यादा ऊर्जा है, और अगर उसमें काम करने की क्षमता कम है तो उसमें ऊर्जा कम है। तो हम ऊर्जा कार्य को तो देख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती। तो ऊर्जा को नापने, देखने, समझने का काम कार्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, ठीक है? कोई भी ऊर्जा होती है, काम और रिजल्ट उसका यही होता है। इसलिए जो कार्य की इकाई होती है वह ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऊर्जा की इकाई आपके पास क्या है, जूल है, क्योंकि तो कार्य की इकाई भी कैसी है, जूल है। इसलिए इसका विमी सूत्र कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ये इसका विमी सूत्र कहलाता है, ठीक है? तो देखिए, हम यहाँ पर मेनली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को लेके चलते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैं क्या बोलता हूं इंग्लिश में, मैकेनिकल एनर्जी बोलता हूं, ठीक? ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इसके दो पार्ट होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के, एक हो जाता है गतिज ऊर्जा और दूसरा हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट होते हैं, ठीक है? इन्हीं की हम स्टडी आज कर रहे हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, गतिज ऊर्जा को करता हूं, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति या वेग के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए, हमारे पास क्या हो गया, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाएंगे तो साइकिल में क्या हो जाएगा, वेग उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि वो गति या वेग के कारण होती है, इसलिए इसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं।
तो गतिज ऊर्जा का इंपॉर्टेंट टर्म ये हो जाता है कि गतिज ऊर्जा का मापन गतिज ऊर्जा का मापन वस्तु को विरामावस्था से गतिक अवस्था तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता। तो देखिए आप ठीक बहुत पहले से होते जानते हैं कि गतिक ऊर्जा कितने के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा ये हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, इकाई जूल में ही रहेगी। तो आप देखिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते पहले चाहे साइकिल में रेस्ट में यानी विरामावस्था में थे, अब आपने उसमें बल लगाना शुरू किया, विस्थापन हुआ साइकिल में और कार्य किया, तो जो आपके पास जो ऊर्जा लगती है या उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गतिक ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या बिंदु ना, गतिक ऊर्जा इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। ये कितने के बराबर होती है, हाफ एम वी, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने एक बॉडी लिया, ये बॉडी का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक अवस्था u कितने के बराबर है, जीरो। इसके ऊपर आपने बल f लगाया, f लगाने से ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई और इसका वेग कितना है, v के मान के बराबर है, ठीक है। इसका विस्थापन s है और यहाँ पर त्वरण, ठीक है, a इसको मान लिया अचर है, ठीक है। तो देखिए m द्रव्यमान की वस्तु पर, मान लीजिए ये साइकिल है, साइकिल पर एक बल F लगाया जाता है तो वह प्रारंभिक वेग U से प्रारंभिक वेग जीरो कर लीजिए, ये जीरो थी, प्रारंभिक वेग कैसा है, जीरो से वेग v प्राप्त कर लेता है। देखिए ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक। तो देखिए क्या आ जाएगा, दिया गया कार्य, मैंने क्या किया, इस m द्रव्यमान की वस्तु के ऊपर ये इसके ऊपर बल लगाया और बल लगा के इसको आगे की साइड टरकाया तो यह विस्थापित हो गई। तो क्या हुआ कार्य, W बराबर कितना होता है, F इंटू
एस इंटू कॉस जीरो। देखिए दोनों का विस्थापन और बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, इसलिए थीटा कितने के बराबर होगा? जीरो। बल बराबर एम ए एस, समीकरण नंबर एक। अब देखिए आपको क्या मालूम है, समीकरण नंबर तीन से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस के मान के बराबर होता है। प्रारंभिक वेग यहाँ पर कितने के बराबर हो गया? जीरो। ये हो गया ट्वाइस ए एस, ये हो गया ए एस, ए एस की वैल्यू रख दीजिए, इसलिए ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, ये हो गया दो। तो समीकरण एक एवं दो से क्या हुआ कार्य? डब्ल्यू इक्वल टू एम ए एस कितने के बराबर हो गया? वी स्क्वायर बाई टू। और यही कार्य जो होगा, यही कार्य यहाँ पर गतिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर के मान के बराबर होता है। ये मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। ये आपके पास क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर या गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता। देखिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल को आप चलाते जाइए चलाते जाइए, जितना ज़्यादा उसके ऊपर कार्य करेंगे वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा यानी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो मान लो एक ये ब्लॉक है या बॉडी है, इसके ऊपर बल एफ लगाया, इसका विस्थापन ए हो गया, इसका त्वरण यहाँ पर ए के मान के बराबर उत्पन्न हुआ, द्रव्यमान एम है, ठीक, और ये यहाँ से विस्थापित होके आ गया। तो U इसका प्रारंभिक वेग, V इसका अंतिम वेग, ठीक है। तो क्या गया कार्य वस्तु को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में किया हुआ कार्य W इक्वल टू एफ एस के मान के बराबर, F कितने के इक्वल हो गया? एम ए एस दिस दैट इज इक्वल टू W, समीकरण नंबर एक हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वस्तु का अंतिम वेग कितना है? v, तो v स्क्वायर प्रारंभिक वेग u स्क्वायर प्लस ट्वाइस से s, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम ले लिया, ये u से v तक विस्थापित हो गई, तो ये कैसा जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, देयरफोर एस बराबर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, इस टू को इसके नीचे लेके आ गया, ठीक। तो समीकरण दो में मान रख दीजिए, दो से एक में मान रख दीजिए, समीकरण एक एवं दो से ये देखिए क्या हुआ कार्य, डब्ल्यू इक्वल टू एम एस की वैल्यू कितनी है? वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई टू, क्या हुआ कार्य? डब्ल्यू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप वो तो देखिए, अगर वस्तु यहाँ से चलती जा रही है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वायर रहेगी इसकी, और अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज ग्रेटर देन यू,
इसलिए कैसा होगा, ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्या हुआ, आकार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के मान के बराबर होती है, यह कार ऊर्जा क्रमिक है। ये दोनों टर्म आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जामिनेशन में आती है, इसको अच्छे से नोट करिएगा।